नमस्कार दोस्तों, गौर स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 11 फरवरी 2023 के मध्य प्रदेश करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अब हम हमारी पिछली वीडियो के प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। हमारा प्रश्न था कि मध्य प्रदेश का पहला एरोप्लेन रिपेयरिंग केंद्र कहां स्थित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, इंदौर में। मध्य प्रदेश का पहला एरोप्लेन रिपेयरिंग केंद्र इंदौर में स्थित है। वो मध्य प्रदेश के दमोह, शहडोल और नागदा शहर में निजी हवाई पट्टी स्थित है। इसके अलावा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश का एक मात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर हवाई पट्टी स्थित है। और मध्य प्रदेश के नीमच और ग्वालियर में वायुसेना की हवाई पट्टी स्थित है। इसके अलावा ग्वालियर में बीएसएफ की भी एक हवाई पट्टी स्थित है। और जो मध्य प्रदेश का शिवपुरी है, यहाँ पर आईटीबीपी की भी एक हवाई पट्टी स्थित है। और वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने एयरपोर्ट हैं? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में 5 एयरपोर्ट हैं। और अभी हाल ही में ही रीवा जिले में मध्य प्रदेश सरकार ने एयरपोर्ट के लिए जमीन भी आवंटित की है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो देवास है, उसमें देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो प्रस्तावित है, सबसे बड़ा एयरपोर्ट देवास जिले में बनाया जाएगा। हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हमारा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का पहला मिर्च महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था। तो हमारे ऑप्शन है खंडवा में, खरगोन में, बुरहानपुर में या बड़वानी में। इसका उत्तर आप सभी कमेंट में जरूर करें, इसका सही उत्तर आपको कल की वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2022 की कंप्लीट पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस पीडीएफ का प्राइस हमने ₹50 रखा है, लेकिन अभी इस पर हमने 50% का डिस्काउंट भी दिया हुआ है, तो इसे आप सिर्फ ₹25 में ले सकते हैं। और अगर आप ये पीडीएफ खरीदते हैं तो इसके साथ आपको एमपी करंट अफेयर 2022 की 1000 एमसीक्यू की पीडीएफ भी साथ में दी जाएगी। और बोनस के रूप में आपको जनवरी 2023 की जो हमारी मध्य प्रदेश करेंट अफेयर की पीडीएफ है, यह भी आपको मिलने वाली है। यानी कि ये तीनों ही पीडीएफ आप सिर्फ ₹25 में ले सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप नंबर का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मध्य प्रदेश करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में मध्य प्रदेश की हिमांशी ने जूडो में कौन सा पदक जीता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का जो स्पोर्ट एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट है, इसका ट्वीट भी है कि जूडो में मध्य प्रदेश की बेटी हिमांशी ने जुटाया है गोल्ड, और इन्होंने यह 63 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में ही मध्य प्रदेश की सिद्धि गुप्ता ने मलखंब में रजत पदक हासिल किया है। ये मलखंब का आयोजन कहाँ किया गया? तो उज्जैन में जो मलखंब एकेडमी स्थित है, वहां पर मलखंब प्रतियोगिता आयोजित की गई है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की। अगला प्रश्न है, हाल ही में सम्राट विक्रमादित्य उत्सव 2023 का आयोजन, सॉरी 2023 का शुभारंभ किसने किया है? इसका शुभारंभ किया गया श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। आप देख सकते हैं कि सम्राट विक्रमादित्य उत्सव 2023 का जो शुभारंभ है, ये माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। कहां पर? तो HMT ग्राउंड हैदराबाद में। तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हैदराबाद के HMT ग्राउंड में सम्राट विक्रमादित्य उत्सव 2023 का शुभारंभ किया। और इसका जो आयोजन है, ये 10 से 12 फरवरी 2023 तक किया जा रहा है। और इस उत्सव में विक्रमादित्य, विक्रमकालीन मुद्रा एवं मुद्रांक और भारतीय ऋषि वैज्ञानिकों पर केंद्रित प्रदर्शनी भी आयोजित की जा रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में साउथ एशिया ट्रेवल एंड टूरिज्म एक्सचेंज 2023 में मध्य प्रदेश के किस विभाग ने भाग लिया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग ने। मध्य प्रदेश की पर्यटन विभाग मंत्री कौन है? यह है सुश्री उषा ठाकुर। और मध्य प्रदेश के वन विभाग मंत्री है डॉक्टर कुंवर विजय साहा। मध्य प्रदेश के गृह विभाग मंत्री है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। और मध्य प्रदेश की संस्कृति विभाग मंत्री भी सुश्री उषा ठाकुर हैं। देख सकते हैं जो कल्चर डिपार्टमेंट है, इसका ट्वीट भी है कि दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी यात्रा और पर्यटन प्रदर्शनी साउथ एशिया ट्रेवल एंड टूरिज्म एक्सचेंज 2023 में मध्य प्रदेश का जो टूरिज्म बोर्ड है, इसने भागीदारी की है। तो दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी यात्रा और पर्यटन प्रदर्शनी है कौन सी? साउथ एशिया ट्रेवल एंड टूरिज्म एक्सचेंज। और इसमें मध्य प्रदेश का जो पर्यटन विभाग है, इसने भाग
लिया है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन जो केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, इन्होंने किया था। कहां पर? ग्रेटर नोएडा में। और ग्रेटर नोएडा में स्थित है इंडिया एक्सपो सेंटर, वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा। ये कौन सा इसका संस्करण है? तो ये इसका 30वां संस्करण था। और मध्य प्रदेश की पर्यटन विभाग मंत्री ये है सुश्री उषा ठाकुर। और मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के जो सचिव हैं वह है श्री शिवशेखर शुक्ला। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में गजरथ महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है मंडला में। देख सकते हैं जनसंपर्क विभाग का ट्वीट भी है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मंडला जिले में आयोजित गजरथ महोत्सव कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधन किया गया। यानी कि जो मंडला जिला है यहाँ पर गजरथ महोत्सव का आयोजन किया गया, और इस महोत्सव को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित भी किया था। और हाल ही में ही मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा भिंड जिले में चंबल नदी के पास में 10 से 14 फरवरी तक अटेर महोत्सव का आयोजन भी किया जा रहा है। इसके अलावा हाल ही में ही उज्जैन में सुजलाम जल महोत्सव का आयोजन किया गया। और मध्य प्रदेश का जो मांडू है, धार जिले में जो मांडू है यहाँ पर मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है 30 दिसंबर से 3 जनवरी तक। और हाल ही में ही हनुमंतिया टापू में जल महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो निवाड़ी जिला है यहाँ पर महाराजा खेत सिंह खंगार की जयंती पर गढ़कुंडार महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में शासकीय आदर्श आवासीय संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का शिलान्यास किसने किया? तो ये किया गया है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ये मध्य प्रदेश के गृह विभाग मंत्री हैं। श्री विश्वास सारंग ये मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्री हैं। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग मंत्री हैं। और श्री राजवर्धन सिंह ये मध्य प्रदेश में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मंत्री हैं। देख सकते हैं जो खबर भूमि डॉट कॉम है इसका आर्टिकल भी है कि गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने दतिया में 51 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले संस्कृत विद्यालय का शिलान्यास किया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया जिले में 51 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले शासकीय आदर्श आवासीय संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का शिलान्यास किया। इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो रतलाम जिला है यहाँ पर 550 बच्चों की क्षमता के साथ प्रदेश का दूसरा आवासीय संस्कृत विद्यालय भी खुलेगा। और मध्य प्रदेश का पहला आवासीय संस्कृत विद्यालय ये डिंडोरी में स्थित है। अब हम 10 फरवरी 2023 के मध्य प्रदेश करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस एयरपोर्ट पर फ्लाइंग एविएशन एकेडमी प्रारंभ की जा रही? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, खजुराहो एयरपोर्ट पर। देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ये इंदौर में स्थित है। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ये भोपाल में स्थित है। खजुराहो एयरपोर्ट ये छतरपुर जिले में स्थित है। और राजमाता विजयराजे सिंधिया एयरपोर्ट ये ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस जिले की लहरी बाई श्री अन्न बीज बैंक की ब्रांड एम्बेसिडर हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, डिंडोरी की। वैसे मध्य प्रदेश के प्रमुख ब्रांड एम्बेसिडर के ऊपर मैंने एक अलग से भी वीडियो बना रखा है, तो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। अटेर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा? तो इसका आयोजन किया जा रहा है भिंड में। हाल ही में मध्य प्रदेश शासन द्वारा निम्न में से किसे राज्य कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया? तो ये दिया गया है श्री शैतान सिंह पाल को। मध्य प्रदेश के किस जिले के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री गुण सागर जी का निधन हो गया? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ये टीकमगढ़ जिले के निवासी थे। अब हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न डिस्कस करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है कि खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किस जिले में होता है? तो ये छतरपुर में होता है। लोकरंग समारोह का आयोजन ये भोपाल में किया जाता है। जल महोत्सव का आयोजन ये खंडवा जिले का जो हनुवंतिया टापू है उसमें किया जाता है, ये अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है। और बुधनी महोत्सव का आयोजन ये सीहोर जिले में होता है। और देश का पहला मक्का महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये छिंदवाड़ा में आयोजित किया गया था। कालिदास समारोह का आयोजन कहाँ होता है? तो ये उज्जैन में होता है। और सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह का आयोजन ये जबलपुर में किया जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश महोत्सव का आयोजन ये दिल्ली में होता है। और भोज समारोह का आयोजन ये धार में किया जाता है। और टेपा समारोह का आयोजन ये उज्जैन जिले में किया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मध्य प्रदेश करंट अफेयर और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें।
और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश करंट अफेयर की कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैंने एक 5 घंटे की अलग से वीडियो बना रखी है, वह उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, वह वीडियो आपके सामने सो रही होगी। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।